क्या ही व्यू है गुरु, ऐसे ही 400 रुपये टिकट का दाम है नहीं। ओ भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, एक बार मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा, एवरीथिंग आपको देखने को मिलेगा भाई। तो सबसे पहले खम्मा घड़ी कैसे आप लोग भौकाल मचा रहे हैं, पूरा मजा में है ना। इस वक्त मैं हूँ ईस्ट के वेनिस में, यानी कि उदयपुर, राजस्थान का एक सिटी है उदयपुर, जहाँ इस वक्त मैं हूँ और आपको मैं आज यहाँ का टूर कराने वाला हूँ। तो मैं हूँ राजीव आर्य, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रैवलर आर्या को। तो काम 25 करना है पूरा, अच्छे से देखिए ब्लॉग और कैसा है हमारा वेनिस, उसको जानिए समझिए और यहाँ पे मौका मिले तो आइए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बहुत चीज़ यूनिक दिखा रहे हैं गुरु और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि आपको हर चीज़ पता चले। तो चलिए काम 25 करते हैं। एक चीज़ आपको बता दूँ कि भाई यहाँ पे आना और वेनिस में जाना दोनों एक ही जैसा है, और सस्ता सुविधा में आप वेनिस घूम रहे हैं तो क्या ही घूम रहे हैं। अभी हम आपको ले कर चल रहे हैं लेक पिचोला, यानी कि पिचोला लेक, और पिचोला लेक घूमने यहाँ का बहुत ही फेमस है। मेरे अगल बगल जो देख रहे होंगे आप, वो सारे के सारे भाई होटल ही होटल आपको देखने को मिलेंगे, पर कुछ अलग देखते हैं कि कहाँ से आपको क्या दिखाया जाए। कोशिश तो पूरा बरकरार रहेगा। बागोर की हवेली जो है सो घुमाते हैं, टिकट लेते हैं और पहले अंदर चलते हैं, हवेली में है क्या वो दिखाएंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। ये है भाई टिकट 60 रुपये का, एंड काउंटर यहाँ पे है इंडियंस के लिए 60 रुपये, एंड बच्चों के लिए 40, फॉरनर के लिए 150 रुपये है। बाकी अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या है भाई। ये रहा भाई म्यूज़ियम बागोर की हवेली। हवेली के दोनों तरफ आपको ये दोनों तरफ तोप दिखेंगे, एक देखो यहाँ पर है एंड एक इस साइड है। अंदर चलेंगे तो अंदर देखेंगे कि क्या है क्या नहीं भाई। बागोर की हवेली जो है सो कब बिल्ड किया गया था, 1751 से, ठीक है, मेवाड़ के जो राजा थे ना, मिनिस्टर कर लो प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा ये बनाया गया था। एंड देख रहे हो अभी तक चल रही है, ये तो अब संग्रहालय हो गया चांदनी चौक। एंड ये देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है भाई, बहुत ज़्यादा पुरानी। ये सब कलाकृतियाँ आपको दिखेंगी जो कि पूरे महल में दिखने वाली है। ऊपर आने के बाद कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, एंड इस साइड पूरा लेक पिचोला, और ये घाट है, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं, फ़ोटो सेशन वगैरह करा सकते हैं। एंड ये देखो अरावली की पहाड़ियाँ जो है सब बहुत ही खूबसूरत है गुरु। ये सीन है यहाँ से, एंड एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये चीज़ क्या है, ये मतलब एशिया का सबसे महंगा होटल है और बहुत सारे मूवी शूटिंग हुई है इसमें। और ये देखो ध्यान से देखो इस होटल को, जहाँ पे ये जवानी है दीवानी में शादी होती है। एंड ये बहुत ही महंगा भाई, नॉर्मल होटल आप समझ रहे होगे, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बहुत ही कॉस्टली है। एंड और वही घाट जो है वहाँ पे रहा ये वाला, यहाँ से बोट वोट शायद होती है, बोटिंग वगैरह कर सकते हैं आप यहाँ से, देखिए बोट वहाँ जा रही है। अब जा रहा हूँ मैं घाट की तरफ, और भाई बारिश हल्के जा रही है, देख रहे हो भाई कितना पुराना शहर है, कि पीछे मेरे जितने भी बिल्डिंग्स देख रहे हैं सारे के सारे भाई राजा के ज़माने के, कितना मस्त है यार। ये देखो कबूतर ही कबूतर। इस वक्त मैं हूँ गणगौर घाट पे, और गणगौर घाट जो है बागोर की हवेली के जस्ट बगल में है, और इस साइड जितना भी आपको दिख रहा है पानी पानी सा, ये लेक पिचोला है भाई। तो ये बहुत प्रीमियम लोकेशन है, सामने अरवई घाट है तो यहाँ भी आ सकते हैं, और ये बहुत प्रीमियम लोकेशन है तो यहाँ पे घूमना बिल्कुल भी ना भूलें। लेक व्यू रोड पे हूँ, एंड यहाँ पे अनेकों प्रकार के आपको रेस्टोरेंट एंड शॉपिंग के लिए जो है दुकानें वो मिलेंगी भाई। बाकी यहाँ से जो व्यू वगैरह है ना इस होटल का, सन एंड मून बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। इस लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे बगल में कौन कौन सी चीज़ें थे, गणगौर घाट यहाँ 70 मीटर है, दाईजी की पुलिया जहाँ से मैंने ब्लॉग शुरू किया है, माँ जी का मंदिर बगल में ही है, बागोर की हवेली अभी घूम के आए हैं, फतेह सागर लेक यहाँ से 150 किलोमीटर है, वो कल करेंगे गुरु। ये देखो ये सब एंटिक पीसेज हैं, एंड ये सब आपको उदयपुर के अलावा बहुत कम जगहों पर देखने को मिलेंगे। आ गई है बारिश, मैं सोच रहा हूँ कि छाता ले लूँ, एंड छाता ले लूँगा तो बढ़िया रहेगा, छाता लेके आता हूँ वापस से। अटल बाबा पैलेस है, एंड यहाँ पे जगदीश टेम्पल यहाँ पे है, आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ऊपर जाना नहीं है गुरु, बस यहाँ से 30-25 सीढ़ियाँ चढ़नी है और पहुँच जाना है जगदीश टेम्पल में। भाई यहाँ पे ना जितनी हरियाली है, कहने का मतलब है कि जितने फॉरनर्स हैं
राजस्थान जो है हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा फॉरनर्स एंड केरला में आते हैं भाई। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें दिख रही है जो कि आप ले सकते हैं यादगार के लिए, कि यहाँ से भैया उदयपुर गए थे तो कुछ लिए थे। जैसे ही ऊपर बढ़िएगा तो भाई चूचू की चाय दिख जाएगी एंड बहुत सारे कुल्लर चाय दिख जाएगी, मैगी पॉइंट है एंड यहाँ रहा सिटी पैलेस का गेट। फिलहाल सोचे कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है बड़ी बेजोर। सैंडविच लेना है भाई, वेज सैंडविच, चीज़ डालो। देखो भाई इतना सारा, ये तो खाते खाते मुझे आफत आ जाने वाला है और अकेले खा भी नहीं पाऊँगा मैं तो। गाइस सैंडविच बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा, 120 रुपये देना पड़ा लेकिन टेस्टी था उस लाइक था। अभी हम जा रहे हैं सिटी पैलेस, अभी टिकट लेना है एंड टिकट भाई मिलता है यहाँ पे, तो टिकट कितने का मिलता है ये चीज़ देखना है। पिछली बार तो नहीं घूम पाया था लेकिन अभी 400 का टिकट लिया हूँ एंड यहाँ पे आपको अगर टिकट लेना है ना तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, फॉरनर के लिए वहाँ पे है एंड हमारे इंडियंस के लिए यहाँ पे है। आप यहाँ पे गाइड भी ले सकते हैं, गाइड का जो चार्ज है वो पे करना पड़ेगा, बाकी आप ले सकते हैं। बाकी गेट पे चलते हैं, गेट के अंदर प्रवेश करते हैं एंड टिकट दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले टिकट दिखाते हैं। वेलकम टू सिटी पैलेस, ये है सिटी पैलेस एंड इधर से जाना तो अलाउड नहीं है, इधर से हम लोग टूरिस्ट के लिए अलाउड है एंड यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं। पूरा गीला गीला सा हो गया, देख रहे हो जैसे कि बारिश हल्की हल्की हो रही है। कॉयल वाली फीलिंग तो आती ही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब देखेंगे अंदर जाके, इस प्रवेश द्वार के अंदर जाना है और क्या फीलिंग है, क्या क्या दिखता है। इसमें फिल्म भी शूटिंग हुई है तो गाइस जहाँ भी जाओ वहाँ पे आपको ये दोनों तोप दिखते रहेंगे। भैया ज़्यादा बदमाशी किए तो उड़ा दिए जाओगे। बाकी अंदर वाह क्या ही व्यू है गुरु, ऐसे ही 400 रुपये टिकट का दाम है नहीं। बहुत से चीज़ें हैं जो कि मरम्मत की जा रही है, आप सामने देख रहे होंगे। अभी इसके अंदर भी चलना है एंड ये तो बस पार्क हुआ जहाँ पे लोग फोटो सेशन करा रहे हैं एंड चारों ओर से देखना चाहेंगे तो ये देखिए कुछ ऐसे हम महलों से घिरे हुए हैं जैसे कि राजा ही हो। बाकी बगल में आपको रेस्टोरेंट एरिया भी मिलेंगे, पहले अंदर से घूम के आते हैं उसके बाद आगे का कार्यक्रम जो है और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी दिखाएंगे। वहाँ से गेट है तो वहाँ से अंदर जाएंगे, उसके अंदर क्या क्या है कैसे क्या है। देखो वहाँ कुछ लोग हैं जो कि विंडो से झांक रहे हैं, वैसे ही कभी महारानियाँ झांका करती थी। तो पीछे लेक है एंड लेक में आप बोटिंग वगैरह एंड कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आप घूमने के लिए इच्छुक हैं तो आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। बाकी हम चलते हैं इधर सिटी पैलेस म्यूज़ियम के मुख्य द्वार पे। ये है म्यूज़ियम का मुख्य द्वार जो कि अभी जिसकी अभी मरम्मत की जा रही है एंड यहाँ से एंट्री गेट है, तो चलिए प्रवेश करते हैं। तो ये है भाई मर्दाना महल, देखो ये है ट्यूटोरियम। राज किला, जब हमारे यहाँ की राजाओं का राज किला होता तो रानियाँ फंक्शन ऊपर से देखी थी, राजपूत महिलाएं देखा होगा। आप घूमना चाहते हैं, गाइड लेना चाहते हैं, हर चीज़ को बारीकी से समझ आ जाते हैं तो ले सकते हैं। ये तो भाई चर्सी लग रही है। ओ भाई साहब ये क्या कर रही है, ओ भाई साहब टैटू का फोटो, टैटू छपवाएगी का। ओ भाई साहब ये देखो, एक बार मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा और यहाँ से जो व्यू है ना गुरु, वो देखो सबसे महंगा होटल आपको दिख रहा है, दोनों महंगा भाई, सबसे लग्जूरियस होटल जो है सो आपको उदयपुर में ही देखने को मिलेगा। तो अभी हम प्रवेश कर रहे हैं वीरों के वीर महाराणा प्रताप जी के कक्ष में और ये देखो गुरु, तो गुरु आवाज़ बहुत ही गूंज रहा है और देख रहे हो पहले के ज़माने का कैसे रूम हुआ करता था। हल्दी घाटी का युद्ध है ये उदयपुर, यहाँ पे लिखा हो 1935 का पेंटिंग है, देख रहे हो यहाँ पे लिखा है, आपको दिखा यहाँ रहा है 1935 का पेंटिंग है, हाथ से बनाया हुआ, सोच लो कितना पुराना है और कितना सहोच के रखा गया है। ये सब फील आप कभी मिस मत करना, कभी मौका मिले तो कभी भी करने आ जाना भाई, क्योंकि वाह। क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि देखो राजा राजवाड़ा जब रहते थे एंड राजा राजवाड़ों के रहने के बाद कोई नहीं रहते थे, मतलब उनकी प्रजा नहीं रहती थी, लेकिन आप घूम रहे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 400 में आप पूरा महल का चप्पा चप्पा छान मार दें। अभी आ चुके हैं इनके पेंटिंग रूम में एंड किसी भी चीज़ को हाथ तो लगाना नहीं है, बाकी देख ही रहे हैं।
कब कब युद्ध हुआ, कौन कौन राजा कहाँ कहाँ बैठ के क्या क्या करते थे, देख रहे हो पूरा एकदम मसाज उसाज करवाते थे, तो वो सब सारा कुछ है गुरु। आंगन के बाद क्या है सी, यहाँ तो अलगे मार चल रहा है फोटो सेशन के लिए, एंड यहाँ पे हम भी तो फोटो सेशन कराएंगे ना गुरु, हम भी करते हैं। ओ काहे मार चला है, अब समझ आया है, देखो यहाँ से पूरा एक्चुअली सिटी दिखता है गुरु, एकदम पैसा वसूल है, आप आओ अगर तो यहाँ पे जरूर घूमो भाई, यहाँ अगर नहीं घूमते हो तो पूरा पैसा मतलब उदयपुर आना व्यर्थ है। ये लिफ्ट है, यहाँ पे लिफ्ट था और 4 जनवरी 1940 को स्थापित किया गया था, ये तो लिफ्ट है, लेकिन अगर ये देखो दरवाज़ा तो ये बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं है, ये देखो दीवार है, ये दीवार है, देखो थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा, और ये देखो देख रहे हो इसमें आवाज़ नहीं कर रहा, तो ये सब जादूगरी करी गई थी। तो बहुत कुछ है देखने के लिए, आप देख सकते हैं, आप आएँ और देखें, क्योंकि आप आएंगे ना तो महल के साथ साथ और भी चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी आपको देखने में। तो भैया 2.5 घंटे हो गए घूमते घूमते, और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, तिजोरी जोरी रखा जाता था, लेकिन इसमें अभी कपड़ा रखा गया है, एंड आपको भाई यहाँ पे बहुत कुछ घूमने के लिए भाई, बहुत ज़्यादा कुछ है। तो घूमते घूमते मैं कहाँ आ गया, ये देखो क्या खाने का सीन है, और पूरा आंगन जो है सो भयंकर बवाल चीज़ है भाई, मतलब करता है। ये पूरा महल है, इसको मतलब दर्शाया गया है कि भाई इतना बड़ा महल है, आपको घूमते घूमते रात ना हो जाए। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, अगर मालदार पार्टी है तो यहाँ फंक्शन करा सकते हैं, पहले जितना भी कार्यक्रम होता था लेडीज़ वगैरह का यहीं पर किया जाता है, ये लक्ष्मी चौक है ठीक है, एंड गाइड ने बताया भाई। एंड दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अभी किराए पे दिया जाता है, तो आप बुक करें और फंक्शन वगैरह कर सकते हैं, देख रहे हैं कितना बवाल चीज़ है, यहाँ पे आप खाना वाना भी खा सकते हैं, तो वही रेट होगा, हम जाएंगे नहीं, हम लोग का बजट से बाहर है गुरु। 3 घंटे 10 मिनट लगे हैं पूरा मुझे घूमने में, और इस महल को बनने में भी उतना ही टाइम लगे हैं, 400 वर्ष। तो जाहिर सी बात है कि 400 वर्ष जिस महल को बनाने में लगे हैं, उस महल को घूमने में तो टाइम लगेगा ना, जबकि मैं तो थोड़ा फास्ट घूमता हूँ। हर चीज़ है, मतलब राजा क्या करते थे, किसे जाते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कहाँ बैठते थे, कहाँ क्या करते थे, हर चीज़ एवरीथिंग आपको देखने को मिलेगा भाई। बताइए गुरु, आपका भाई ये सब लेता है, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने लिया है 2-3, और अब लेके आगे बढ़ूँगा। मैं जब उदयपुर 2018 या 2019 में आया था तो क्या था ना कि इतना साफ़ सुथरा तो बिल्कुल भी नहीं था जितना अभी है। Day 1 में मुझे यही सब कवर करना था, अब Day 2 की बारी है, एंड नाइट में देखते हैं कुछ हो पाएगा, कुछ अलग दिखा सके तो दिखाएंगे, वरना Day 2 में आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे जो कि यहाँ की फेमस है, के लिए जो पॉपुलर है, कितना मज़ेदार आपको चीज़ दिखाएं आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, बट है ना कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ दिखाएं। तो यही है, बाकी अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तो एंड अभी हम अपने हॉस्टल में आ गए हैं, तब तक के लिए जय हिंद।